नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जयपुर द पिंक सिटी पर। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा अपेंडिसाइटिस के लिए सरल घरेलू उपचार। पेट में दाहिनी ओर नाभि के नीचे की ओर दर्द और सूजन होना, उल्टियां होना, बुखार होना, भूख नहीं लगना और गैस नहीं निकलना आदि अपेंडिसाइटिस के मुख्य लक्षण हैं। किसी संक्रमण, मल, गांठ या बाहरी पदार्थ के कारण अपेंडिक्स में रुकावट पैदा हो जाना ही अपेंडिसाइटिस का मुख्य कारण है। एक कप उबलते हुए पानी में अदरक के ताजा 10 टुकड़े डाल दीजिए। इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब यह पानी हल्का गर्म रह जाए तब इसे छान कर पीना चाहिए। इसे रोजाना दिन में 2 बार पीने से अपेंडिसाइटिस बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। एक चम्मच नींबू का रस लीजिए, इसमें 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। इसे रोजाना दिन में 3-4 बार लेना चाहिए। इससे अपेंडिसाइटिस बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। छाछ अपेंडिसाइटिस के लिए सर्वोत्तम औषधि है। 1 ग्लास छाछ में स्वाद अनुसार काला नमक मिला लीजिए। इस छाछ को रोजाना दिन में 2-3 बार पीना चाहिए। इससे अपेंडिसाइटिस शीघ्र ही ठीक हो जाता है। आप ये सभी घरेलू उपचार हमारी वेबसाइट jaipurthepinkcity.com से हिंदी में प्रिंट भी कर सकते हैं। ऐसे ही सरल घरेलू उपचार जानने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल जयपुर द पिंक सिटी को सब्सक्राइब कीजिए।